स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शहर में प्रदर्शन। रोहतक सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी, मांग नहीं मानी तो होगा आंदोलन तेज। रोहतक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए सीएमओ रोहतक को ज्ञापन सौंपा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ प्रदर्शन के बाद सरकार को चेतावनी देते हुए कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कर्मवीर सिवाच ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि हरियाणा सरकार ठेकेदारी प्रथा बंद करे और समय पर उनका वेतन दे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेकेदार हर समय उनका शोषण करते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं और पैसे भी कम देते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सीएमओ रोहतक के माध्यम से सरकार के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि विभाग में जो भी रिक्त स्थान होता है उस पर सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ही नियुक्ति करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में ठेकेदार मनमानी पर उतारू हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों का समाधान नहीं करेगी तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। आज का जो प्रोग्राम है पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिला हेडक्वार्टरों पर सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर ठेका कर्मचारी यूनियन, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग जिनकी अनेक कैटेगरियाँ हैं, जिनको बार बार सरकार दो दो तीन तीन महीने का एक्सटेंशन दे करके इनकी नौकरी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस खिलवाड़ के खिलाफ आज पूरे हरियाणा में तमाम 11,000 स्वास्थ्य कर्मचारी एकमत होते हुए, लामबंद होते हुए तमाम पूरे हरियाणा में आज विरोध प्रदर्शन है और सीएमओ साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन का प्रोग्राम आज कि हमारी जो समस्याएं हैं इन समस्याओं पर सरकार विचार करे, वरना हम अगला आंदोलन इससे भी तीखा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। हम ये सरकार को बता, ठेका प्रथा खत्म हो और जो विभाग में ठेके पर लगे हुए हैं उनको विभाग, अगर वैकेंसी हैं इन लोगों को के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, उनको विभाग के रोल पर रखा जाए कि ठेकेदार को बीच से निकाला जाए, उसमें विभाग को भी फायदा है और तमाम कर्मचारियों को भी फायदा है, क्योंकि समय पर वेतन मिल सकता है और पूरा वेतन मिल सकता है। ठेकेदार ना तो समय पर वेतन देता और ना कर्मचारियों को पूरा वेतन देता, तमाम कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार ठेकेदार करते हैं, इनका शोषण व्यवहार करते हैं, शोषण करते हैं तमाम हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ।